हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज एक रेस्टोरेंट का टूर हो रहा है, तो हम यहाँ पे खाना खाने गए थे। हमारी एनिवर्सरी थी, तो इसका नाम है MOG, माफिया ऑफ ग्रिल्स। ये आपको बेटा 1 3 3rd फ्लोर ओमैक्स कनॉट प्लेस ग्रेटर नोएडा में आपको मिल जाएगा। ये अल्फा में है और यहाँ पे आपको लिमिटलेस मील मिल सकती है, नॉन वेज एंड वेज, और रीजनेबल प्राइस में आपको मिल जाएगी। आपका मैंने यहाँ के जो एम्बियंस था, बहुत ही अच्छा एम्बियंस था, तो मैंने उनसे बोला था कि आप क्या मैं इस जगह का वीडियो बना सकती हूँ। तो दे आर सो स्वीट, और जो उनके ओनर थे वो बहुत ही अच्छे थे, फ्रेंडली नेचर के थे, स्पेशली टू दी किड्स। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे मैंने पहली बार किसी रेस्टोरेंट में, आप देख सकते हैं, बीवी चेयर दिखा है, अदरवाइज इसके साथ ही आपको बारबेक्यू नेशन मिलेगा। ये एक्चुअली न्यू ओपन हुआ है, ज़्यादा पुराना नहीं है, लेकिन अगर आप जा रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे ज़रूर टाइम स्पेंड करिए। और आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल इन लोगों ने तैयार करा है अपने रेस्टोरेंट को। और सबसे मुझे अच्छी चीज़ इनकी एक ही चीज़ लगी, बेबी चेयर। बिकॉज मैं बारबेक्यू नेशन में बहुत बार गई, मैंने बहुत बार बोला भी उनको कि आप बेबी चेयर रखो अपने पास, लेकिन वो कभी भी बेबी चेयर्स अलाउ नहीं करते या रखते नहीं, पता नहीं क्यों। लेकिन इस वाले रेस्टोरेंट में भी एक ही था, बिकॉज ये न्यू था, तो मैंने इनको बोला था कि आप ज़रूर बेबी चेयर को इंट्रोड्यूस करिए। सो देख सकते हैं कि कैसा है। मैं पूरा इसमें साथ में आपको जो खाने का, जितना भी इनका जितने भी डिशेस थे, मैंने उसकी भी इसमें वीडियोस बनाई हुई है। और साथ में ये मॉल कैसा है लास्ट में आप वो भी देखेंगे, खाना कैसा था वो भी मैं बताऊँगी सब कुछ। तो ये वीडियो तब शूट हुआ था जब एक्चुअली लोग जा चुके थे, 10:30 बजे का टाइम था। ये कल का शूट है, यानी कि 15 नवंबर का। देख सकते हैं यहाँ पे बार का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है, अगर आप ड्रिंक्स करते हैं या फिर कॉकटेल मॉकटेल लेते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। एम्बियंस वाज सो गुड। अदरवाइज मैं रेस्टोरेंट के तो बिल्कुल भी वीडियोस नहीं बनाती, बिकॉज मेरा खुद का ही गोवा में खुद का ही होटल इंडस्ट्री है, हमारी खुद की ही होटल है। लेकिन मैंने वहाँ का आज तक रिव्यू नहीं करा, आज तक वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि वो हमारा खुद का है, तो हमें प्रमोशन की भी ज़रूरत नहीं है। प्रमोशन की तो एक्चुअली इनको भी ज़रूरत नहीं है, दे आर सो गुड। धीरे धीरे लोग इनको ज़रूर जान जाएंगे। और सबसे अच्छी लगी इसकी ग्रीनरी, बहुत ही अच्छी थी। और एज अ नेम सजेस्ट, माफिया ऑफ ग्रीस, और ये ओनर है वहाँ के, जो कि बहुत ही वन ऑफ द बेस्ट मुझे लगा। और आपको यहाँ पे बहुत अच्छा स्क्रीन मिल जाएगा, तो वहाँ पे गाने वाने आराम से बजते रहते हैं, सो ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे। बैठने की बात करूँ तो बैठने का अच्छा खासा स्पेस इन लोगों ने बनाया हुआ है, सो वहाँ पे आप बहुत ही ईजिली बैठ सकते हैं। और एम्बियंस वॉज वेरी गुड। और यहाँ पे आप देख सकते हैं चेयर्स थी, बड़ी सी चेयर्स थी, बच्चों के लिए भी बहुत ही था, यूनिक था कि बच्चे भी बैठ सकते हैं, बड़े भी बैठ सकते हैं। और आप जब जाएंगे तब आपको ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा। और इसके रिव्यू भी आप देख सकते हैं गूगल पे, बहुत अच्छे। और देख सकते हैं यहाँ पे जो इनका कप का स्टाइल था वो गोली वाला था, यानी कि गन वाला था, बिकॉज इनका नाम ही है माफिया ऑफ ग्रिल्स। उनकी ग्रिलिंग, ग्रिल वाले जो भी खाने थे वो बहुत अच्छे थे। और आप मैं अब आपको मेन्यू दिखा रही हूँ। इसमें कितने प्राइसिंग की बात करें तो प्राइसिंग थोड़ी सी हाई साइड तो नहीं कहेंगे, बिकॉज अगर आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो इतना आपको अमाउंट पे करना पड़ता है। हमारा जो अमाउंट पे हुआ था 1900 का पे हुआ है, 2000 का भी नहीं अमाउंट गया था। और मैं दिखाऊंगी क्या क्या चीज़ें खाई थी हमने साथ में। सो आप यहाँ पे पॉज करके, यहाँ पे ब्रेक लेके आप आराम से देख सकते हैं कि किस कितने अमाउंट का इसमें प्राइसिंग है सब कुछ। तो मैंने वो सब कुछ ले लिया था कि एटलीस्ट अगर लोग जा रहे हैं तो उससे पहले एक बार वो ज़रूर वीडियो चेकआउट कर लें। अगर आप किसी स्पेशल ओकेशन के लिए जा रहे हो तो आप उनसे केक के लिए बोल सकते हैं, लेकिन हम हमारा एनिवर्सरी थी लेकिन हमने केक के लिए नहीं बोला, बिकॉज बेबी बिल्कुल भी ऑब्वियसली वो सपोर्टिव होती नहीं है ऐसे जगह जाने में। खाने की बात करूँ तो आप देख सकते हैं हमने लिया था, मैंने लिया था स्पेशली चॉकलेट शेक, और हमने लिया था थोड़े से कॉर्न है आई थिंक ये, हाँ कॉर्न लिया था। फिर हमने थोड़े से मशरूम लिए थे, सीजलर मशरूम्स थे ये, जो कि बहुत यम्मी थे। फिर हमने लिए थे फ्रेंच फ्राइज, और ये तो मैंने ऐसे शॉर्ट ले लिया था। फिर हमने लिया था एक मोजिटो, और लिया था एक चॉकलेट शेक, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ पहले के शॉर्ट्स वीडियो। सो इस तरीके का खाना लिया था, इतना ही लिया था। इसके बाद हमने शायद पास्ता भी लिया था, अल्फ्रेडो पास्ता लिया था, जिसका कॉस्ट टोटल इतने खाने का कॉस्ट, तो खाने का कॉस्ट मैं बता चुकी हूँ 1900 था। और ये मॉल का थोड़ा सा मैं जल्दी वाला टूर दे रही हूँ आपको, अभी तो बंद हो गया। अदरवाइज ये अगर ग्रेटर नोएडा में जो भी रह रहे हैं नियर बाय अल्फा में, आपको ये मिल जाएगा मॉल, और इसका नाम है CP कनॉट प्लेस। और कनॉट प्लेस में ही यहाँ पे डायनासोर जैसा यहाँ पे बहुत अच्छा सा बना हुआ है इनका, तो बच्चों के लिए आई थिंक अभी ओपन नहीं है,
वैसे आप फोटोज़ और वीडियोस ले सकते हैं। आप बेबी भी, डायनासोर बेबी है, मम्मा है, डैडी है, सब है इसमें। सो बहुत ही क्यूट सा था। सो अगर आपका मन है तो डेफिनेटली आप यहाँ पे जाइए एक बार, ज़रूर मेरे कहने पे ज़रूर चेकआउट करिए, क्योंकि मैं कोई भी वीडियो फालतू नहीं बनाती। तो आपको ओपन पार्किंग मिल जाएगी जिसका कॉस्ट है 50 रुपीज़, और नहीं तो आपको अंदर जाके पार्किंग करनी पड़ेगी। सो थैंक यू सो मच एंड कीप ऑन। बाय बाय।